लालू परिवार के लिए संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लालू की बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश के सीए राजेश अग्रवाल के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो गई है। चार्जशीट में यह बताया गया है कि किस तरह राजेश अग्रवाल काला धन सफेद करने के खेल में लगातार जुटा हुआ था। ओम प्रकाश तिवारी हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। ओम प्रकाश, मीसा और शैलेश के सीए के खिलाफ चार्जशीट दाखिल? बिल्कुल चित्रा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लालू की बेटी दामाद मीसा शैलेश के सीए राजेश अग्रवाल के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। पटियाला हाउस कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया है और इस आरोप पत्र में राजेश अग्रवाल के काले कारनामों का सिलसिलेवार तरीके से खुलासा किया गया है कि शेल कंपनियों के जरिए काले से सफेद धन कराने का चार्जशीट में आरोप लगाया गया है। यह भी बताया गया कि कई कंपनियों के जरिए घुमाया जाता था काला धन और काले से सफेद करने के बदले कमीशन लेता था राजेश अग्रवाल और उसके आगे जैन बंधु। ये वही राजेश अग्रवाल है जिसने शैलेश मीसा की कंपनी मिशेल को भी शेल कंपनियों के जरिए पैसा दिलाया था और 90 लाख रुपए की रकम राजेश अग्रवाल ने शेल कंपनियों में नगद जमा कराई। इसी पैसे से मीसा शैलेश ने दिल्ली के पालम विहार में जो है फार्म नंबर 26 दिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजेश अग्रवाल और जैन बंधु अभी तिहाड़ जेल में है और इस मामले में ईडी जांच के बाद शैलेश और मीसा के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल कर सकता है। शुक्रिया ओम प्रकाश तिवारी इस पूरी जानकारी के लिए। मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई लालू यादव के परिवार की। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।